नमस्कार, टीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को ये कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं और मुसलमानों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लटकाए रखा। उन्होंने खजुराहो के चंदला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस द्वारा 22 जनवरी को मूर्ति प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराना भगवान का अनादर है। सीएम मोहन यादव आगे कहते हैं कि ऐसे काम करने वालों और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को आगामी चुनावों में जनता द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भारतीय की संस्कृति का परचम लहरा रहा है। उन्होंने बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार के नारे को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी बार बार बोल रहे हैं। वहीं मोहन यादव ने यह दावा किया है कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी उन्हें अब पसंद करते हैं। सभा को संबोधित करते हुए शर्मा ने राम पर गोली चलाने का आदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना की है। 1990 के दशक में मंदिर आंदोलन के दौरान भक्तों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। दरअसल एमपी की खजुराहो संसदीय सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा चुनाव लड़ रही है और बीजेपी नेता ने कहा है कि सपा के शासनकाल में अयोध्या जा रहे निहत्ते कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी यहां से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी नेता और खजुराहो से प्रत्याशी वीडी शर्मा ने कहा कि अब बीजेपी की भारी जीत सुनिश्चित कर उन्हें करारा जवाब देने का समय आ चुका है।